दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप फाइनल के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, दिखाएंगे रोहित शर्मा ने क्या कहा। लेकिन इससे पहले आप सभी को क्या लगता है फाइनल कौन जीतेगा, अपनी भी कीमती राय अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलो अब ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर विश्व कप 2023 के फाइनल में प्रवेश कर गई है। टीम इंडिया ने इसी के साथ साल 2019 में न्यूजीलैंड के हाथों मिली हार का बदला ले लिया। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप सेमीफाइनल में 4 विकेट पर 397 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 327 रनों पर सिमट गई। कोहली ने 117 गेंद पर 113 रन बनाए जबकि अय्यर ने 70 गेंदों पर 105 रन बनाए। इन दोनों ने 128 गेंद पर 163 रन की पार्टनरशिप की। इससे पहले कप्तान रोहित शर्मा ने 29 गेंद पर 47 रन की तूफानी पारी खेलकर भारत को तेज शुरुआत दिलाई जबकि बीच में रिटायर्ड हट होने वाले सुमन गिल ने अंतिम ओवर में वापसी की और कुल 66 गेंद पर 80 रन बनाकर नाबाद रहे। अब दोस्तों फाइनल में एंट्री करने के बाद यही बोले कप्तान रोहित शर्मा की, मैंने यहाँ काफी क्रिकेट खेला है, आप आराम नहीं कर सकते, आपको जितनी जल्दी हो सके काम पूरा करना होगा। हम जानते थे कि हम पर दबाव होगा, हम शांत थे, भले ही हम मैदान पर थोड़े ढीले थे, ये चीजें होनी तय है। खुशी है कि हम काम पूरा कर सके। जब स्कोरिंग दर 9 से ऊपर हो तो आपको मौके लेने होंगे, उन्होंने हमें मौके दिए, हमने उन्हें भुनाया नहीं। मिशेल और विलियमसन ने शानदार बल्लेबाजी की, हमें शांत रहना था, भीड़ चुप हो गई, यही खेल का अंदाज है। हम जानते थे कि हमें अपनी अस्थिन से कुछ निकालना होगा, हमने हर संभव प्रयास किया और सभी शानदार रहे। सिर्फ 5-6 बल्लेबाजों ने इसकी गिनती बनाई है। अय्यर ने इस टूर्नामेंट में जो किया है इससे बहुत खुश हूँ। गिल ने जिस तरह से आगे बढ़कर बल्लेबाजी की वह शानदार थी, दुर्भाग्य से उन्हें वापस लौटना पड़ा। कोहली हमेशा की तरह शानदार रहे, उन्होंने अपनी ट्रेडमार्क पारी खेली और अपने मुकाम तक पहुँच गए। कुल मिलाकर बल्लेबाजी शानदार रही, यही वह टेम्पलेट है जिसके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इंग्लैंड के खेल में हमें बोर्ड पर केवल 230 रन मिले, जिस तरह से हमारे गेंदबाज ने आगे बढ़कर गेंदबाजी की, उन्होंने विकेट चटकाए, आज मैं नहीं कहूंगा कि कोई दबाव नहीं था, खिलाड़ी काम कर रहे थे, हम वही करना चाहते थे जो हम पहले 9 मैचों में करते आए हैं, चीजें वास्तव में अच्छी रही। और रोहित शर्मा ने कहा कि इस वर्ल्ड कप में मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलकर शुरू किया था और लास्ट फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलकर जीत के साथ खत्म करेंगे। दोस्तों विराट कोहली ने वनडे में शतकों का अर्धशतक पूरा करके सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा जबकि मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लेकर गेंदबाजी में फिर से कमाल दिखाया जिससे भारत ने बुधवार को यहां न्यूजीलैंड को 17 रन से हराकर सेमीफाइनल में हारने के मिथक को तोड़कर चौथी बार वनडे विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। भारत इससे पहले 1987, 1996, 2015 और 2019 में सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाया था। 4 साल पहले मैनचेस्टर में न्यूजीलैंड ने उनका विजय अभियान थामा था जिसका उसने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हिसाब चुकता किया। दोस्तों कैसा लगा कप्तान रोहित शर्मा का ऐलान कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।